पुतिन पांचवी बार रूस की सत्ता पर काबिज होते ही अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं और इन्हीं इरादों की झलक यूक्रेन में मची इस तबाही में साफ दिख रही है। रूस की ओर से हालिया हमलों में तेजी आने से यूक्रेन कई मोर्चों पर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। जंग में सैनिकों और हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन पर हर दिन मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। यूक्रेन अपने बॉर्डर से जुड़े इलाकों की हिफाजत करने में फेल हो रहा है। फ्रंटलाइन पर सैनिकों की कमी अब यूक्रेन को बड़े स्तर पर खलने लगी है। यही वजह है कि यूक्रेन के कई कस्बों और शहरों पर रूस ने अपना झंडा गाड़ दिया है और बचे कुचे यूक्रेनी सैनिक अपने मोर्चों से पीछे हटने के लिए मजबूर हुए हैं, जिसको लेकर यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के प्रमुख जनरल किरिलो बुडानोव ने कहा कि यूक्रेन की सेना देश के उत्तर पूर्व में एक गंभीर स्थिति का सामना कर रही है। यूक्रेनी सेना रूसी हमलों को विफल करने में नाकामयाब रही है। यूक्रेन सैनिकों की कमी का सामना कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव के पास हमले कर कम 9 बस्तियों और गांवों पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, हजारों नागरिकों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। शीर्ष यूक्रेनी जनरल ने खारकीव में एक बंकर से वीडियो जारी कर बताया कि स्थिति काफी गंभीर है। हर घंटे हालात खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। सैनिकों की कमी के अलावा यूक्रेन को हथियारों की भी गंभीर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से तोपखाने, गोला बारूद और अमेरिका से $61 बिलियन के हथियार, जिन पर कई महीनों बाद अमेरिकी संसद ने मोहर लगाई थी। यूक्रेनी अधिकारियों और मिलिट्री एक्सपर्ट्स की तरह जनरल बुडानोव ने भी माना कि उत्तर पूर्व में रूसी हमलों का मकसद साफ है कि यूक्रेन के सैनिकों की कमी को और बढ़ाया जाए, जिससे उन्हें कहीं और लड़ने से रोका जा सके। बुडानोव ने दावा किया कि अब बिल्कुल यही हो रहा है। यूक्रेनी सेना पूर्वोत्तर में अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाकी फ्रंटलाइन से सैनिकों को तैनात कर रही है, जिसकी संख्या पहले से ही हर मोर्चों पर काफी कम हो चुकी है। हमारी सभी सेनाएं या तो यहाँ हैं या चासीवियार में हैं। जनरल ने दक्षिण में करीब 120 मील दूर एक यूक्रेनी गढ़ का जिक्र कर कहा कि रूसी सैनिकों ने हाल के हफ्तों में हमला किया है। हमारे पास जो कुछ भी था उसका इस्तेमाल किया है। दुर्भाग्य से हमारे पास रिजर्व में कोई और नहीं है। जनरल बुडानोव ने उम्मीद जताई कि यूक्रेनी सेनाएं अगले कुछ दिनों में बॉर्डर्स को मजबूत करने और मोर्चे पर रूस से बदला लेती दिखाई देंगी। हालांकि उन्होंने अंदेशा जताया कि रूस खारकीव के उत्तर में सुमी इलाके में एक नया हमला कर सकता है। यूक्रेनी अधिकारी ने दावा किया कि बीते सोमवार को खारकीव के उत्तर पूर्व में बॉर्डर से करीब 5 मील दूर एक शहर वोवचांस्क में भी जंग छिड़ी थी, जहां तैनात एक यूनिट के कमांडिंग लेफ्टिनेंट ने बताया कि रूस हवाई हमले कर शहर को तबाह करने में जुटा था। दावा है कि रूस हर 3 मिनट में 5 से 7 बम गिरा रहा था। बताया जाता है कि वोवचांस्क की आबादी युद्ध छिड़ने से पहले करीब 17,000 थी, जो अब 200 से 300 पर आ पहुंची है, जो इस इलाके से बच निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में रूसी रणनीतियां भी काफी हद तक यूक्रेन जंग की दशा और दिशा तय करेंगी। दरअसल रूस ने युद्ध के बीच अपने रक्षा मंत्री को बदलकर बड़ा संदेश देने की कोशिश कर नया दांव चला है।